कलर्स चैनल का पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल शो है बिग बॉस 14, जिसमें हमें कई टीवी सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं और अब इन्हीं कंटेस्टेंट को बराबर की टक्कर दे चुकी हैं बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत, जिन्होंने बिग बॉस में एक चैलेंजर के रूप में एंट्री ली है, जो बिग बॉस में अपनी नौटंकी और फनी हरकतों से लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही है। साथ ही दर्शक इन पर अपना जमकर प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अपनी बेबाक और खुशमिजाज अंदाज से पॉपुलर हो रही अभिनेत्री राखी सावंत एक समय में डिप्रेशन का भी शिकार हो चुकी हैं? जी हां, सही सुना आपने, अभिनेत्री राखी सावंत भी एक समय में डिप्रेशन भरी लाइफ जी चुकी हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको राखी सावंत के उसी डिप्रेशन भरे दौर से रूबरू करवाएंगे कि क्या थी इनके डिप्रेशन की वजह और किस तरह से इन्होंने अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। अगर आप भी राखी सावंत के उस दौर से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही राखी सावंत के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बस यही मिजाज लिए बेबाक, बिंदास और बोल बच्चन राखी सावंत ने अपने करियर की शुरुआत की, और आज भी राखी सावंत अपने इस बिंदास मिजाज को लेकर बिग बॉस 14 में एंट्री कर चुकी हैं, जहां ये अपने कॉमेडी अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अपने खुशमिजाज अंदाज से फेमस अभिनेत्री राखी सावंत एक समय में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। यही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने आप को मिटाने का भी फैसला कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके डिप्रेशन में जाने की वजह एक नहीं बल्कि दो हैं। दरअसल जब इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी नहीं की थी, तब इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसके साथ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने की सोची, जिसके लिए इन्होंने उस बिजनेस में पूरी रकम लगा दी, पर उस शख्स ने इन्हें धोखा दिया और इनके सारे पैसे हड़प कर देश छोड़कर चला गया। और जब इन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो उसी दौरान उन्हें उस शख्स के मरने की खबर आ गई, जिसके चलते इनके घर में आर्थिक तंगी आ गई, जिसे देखकर ये काफी निराश होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब इन्होंने अपनी इस आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए बॉलीवुड में एंट्री की तो वहाँ भी इन्हें किसी ने ज्यादा काम नहीं दिया, और जितना भी इन्हें काम मिला इसके बदले इन्हें कई गलत चीजों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते धीरे धीरे राखी सावंत और डिप्रेशन में चली गईं। इतना कि उन्होंने बॉलीवुड और चमक भरी दुनिया से दूरियां बना ली, और उस दौरान इनके किसी दोस्त ने इन्हें समझाया और इन्होंने डिप्रेशन से निकलने का फैसला किया, जिसके बाद राखी ने बिग बॉस के पहले सीजन से अपनी दोबारा शुरुआत की, और इस सीजन ने राखी की किस्मत बदल दी। भले ही उन्होंने ये सीजन जीता ना हो, पर इसके बाद राखी सावंत काफी पॉपुलर हो गई, और वहीं उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ऑफर आने लगे। भले ही राखी को फिल्मों में आइटम नंबर के ऑफर आते हो, पर बावजूद इसके राखी सावंत ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, और आज राखी सावंत एक बार फिर बिग बॉस 14 में चैलेंज कंटेस्टेंट बनकर लोगों का एंटरटेनमेंट करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप राखी सावंत की इस डिप्रेशन भरी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।